हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। तो जैसे कि देख सकते हैं, आज हम लेके आए हैं आप आपके लिए। तो ये शोरूम अभी जिस मतलब शोरूम में आए हुए हैं, ये रॉयल इनफील्ड का शोरूम। तो इसमें अलग अलग मॉडल, बहुत सारा मॉडल का बाइक आपको मिलेगा, जो E20 मॉडल OBD2 इस बार जो आया हुआ है। तो इसका एक एक जानकारी हम आपको देने वाले हैं। और ये जो मॉडल है, ये रॉयल इनफील्ड का हंटर मॉडल 350। चलिए तो बिना देर की हम शुरू कर लेते हैं। उसके बाद अगर कोई आपको रिव्यू अगर अच्छा लगे तो लास्ट में सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना। और अगर बाकी फ्रेंड सर्कल में कोई भी लेना चाहे तो उसको शेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको दो क्यू मिल जाता है कुछ इस तरह का, जो देख सकते हैं रॉयल इनफील्ड का इसमें लोगो वगैरह जो भी है वो किया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी इसको हम सबसे पहले यहाँ पे लगा लेते हैं। लगाने के बाद इसका फ्रंट लुक से हम बात करें तो हेडलाइट देख सकते हैं कुछ इस तरह का आपको आने वाला है, मतलब हैलोजन के साथ। बाकी इंडिकेटर आप देख सकते हैं दोनों साइड से कुछ इस तरह का मिलने वाला है। वही इसका अगर फ्रंट सस्पेंशन का बात करें तो टेलीस्कोपिक फोर्क आएगा, जो नॉर्मल बाइक में आता है, मतलब इसका जो है वो थोड़ा स्टैंडर्ड क्वालिटी में। नंबर प्लेट का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखेगा। नेक्स्ट अगर फ्रंट टायर और इसका ब्रेकिंग सिस्टम का बात करें तो इसका टायर का साइज एक बार देख सकते हैं, 110 17 और 17 इंच का अलॉय व्हील के साथ आपको ट्यूबलेस टायर मिलने वाला है। और ये जो मॉडल है ये है ABS मॉडल, मतलब ये आ जाता है आपका डुअल चैनल ABS में। तो ये आपको फ्रंट ब्रेक सिस्टम का बात करें तो ये बाकी देख सकते हैं कि वाइबर का जो कैलिपर आता है बहुत हैवी क्वालिटी में होता है। इसका ब्रेकिंग बहुत हैवी, मतलब एक तरफ से देखा जाए तो बहुत बेहतरीन ब्रेकिंग इस कैलिपर में आपको दिया जाता है। बाकी नेक्स्ट हम इसका बात करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं अलॉय व्हील कुछ इस तरह का, रॉयल इनफील्ड का लोगो भी किया गया इसमें। बाकी टायर का अगर इसका कंपनी बात करें तो एक टायर का जो कंपनी है वो सीएट में आपको मिलेगा। उसके बाद इसका फ्रंट मडगार्ड का बात करें तो देख सकते प्लास्टिक फाइबर में जो आता है वो चीज आपको इसमें एक क्वालिटी में ही दिखने में को मिलेगा, जो ग्लॉसी ब्लैक में आप कुछ इस तरह का देख सकते हैं। लेफ्ट साइड और राइट साइड से दोनों साइड से आपको कुछ इस तरह का रिफ्लेक्टर यहाँ पे देखने को मिलेगा। और लेफ्ट साइड की ओर से बात करें तो देख सकते हैं कुछ इस तरह का लुक आपको देखने को मिलेगा। इसका अगर यहाँ पे जो इसका बटन कंट्रोल जो दिया गया, इसमें क्या क्या मोड आपको मिलेगा वो चीज़ हम आपको बता देते हैं। जैसे ये होगी आपका लो बीम, इधर से आपका हाई बीम हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका पासिंग का स्विच। यही आपका लेफ्ट इंडिकेटर, राइट, और यहाँ पे आपका हॉर्न का स्विच कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। राइट की ओर आ जाते हैं तो यहाँ पे आपका सेल्फ स्टार्ट मिलने वाला है कुछ इस तरह का, जो इधर आपका इग्निशन ऑफ हो जाएगा, ये आपका बीच में राइड मोड हो गया और ये सेल्फ स्टार्ट। बाकी ये जो आप बटन देख रही है आपको हो जाता है हजार्ड लाइट, जिससे आपका चारों इंडिकेटर जलता है। ये सारा कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर इसका क्लस्टर पे बात करें तो ये देख सकते हैं यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका ट्रिप और यहाँ पे आपका जो हो गया फ्यूल, लो फ्यूल का, बाकी आपका बैटरी का सिंबल, ये आपका ABS इंजन चेक लाइट कुछ इस तरह का यहाँ शो कर रहा है। बाकी ये इंडिकेटर आप देख सकते हैं लेफ्ट राइट। बाकी यहाँ पे आपका गियर शो करेगा और मोड इसमें दिया गया है, जैसे ये हो गया आपका इको मोड, और ये आपका जो है किलोमीटर रेंज आपका चेक करने के लिए, मतलब इसको मोड में चेंज करने के लिए, अलग अलग मोड में करने के लिए उसका कंट्रोल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये देख सकते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे आपको टाइमिंग शो करेगा और ये आपका फ्यूल मीटर कुछ इस तरह का यहाँ पे दिया गया है, मतलब काफी कमाल का लुक दिया गया है इसे देखा जाए तो। बाकी इंजन कुछ देखा जाए इस तरह का कुछ, मतलब कमाल बहुत बड़ा साइज में दिया गया है, देख सकते हैं 350cc का इंजन होता है तो सोच सकते हैं कि बहुत बड़ा साइज में ही होगा। बाकी ये हो जाता है आपका सिंगल लीवर के साथ आपका गियर लीवर। बाकी ये हो जाएगा आपका मतलब राइडर का फुटरेस्ट, जो इस तरह का ऑटो फोल्डेबल आएगा। बाकी ये आपका आ जाएगा पिलियन के लिए मतलब मैनुअल फोल्ड, जो कुछ इस तरह का आप इसको फोल्ड करके रख सकते हैं इजीली। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं टैंक पे आपको रॉयल इनफील्ड का स्टिकर और यहाँ पे इनफील्ड ये लिखा हुआ आपको बहुत बड़ा साइज में स्टिकर किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं तो आपको हंटर 350 लिखा हुआ कुछ इस तरह का स्टिकर पैनल पे किया गया है। ये आप इसका अगर बैक साइड से देखा जाए तो बैक साइड से आपको कुछ इस तरह का बैकलाइट के साथ इंडिकेटर आपको देखने को इसी में फिटिंग है, जो आपको मिलेगा। बाकी नंबर प्लेट का ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा, जो LED लाइट के साथ आपको देखने को मिलेगा। बाकी अगर रियर से बात करें तो देख सकते हैं कुछ इस तरह का सस्पेंशन इसमें दिया गया है, और यही पे इसका अगर रियर ब्रेक का बात करें तो ये भी वाइब्रेक का जो कैलिपर आता है वही चीज आपको मिलने वाला है। ये हो जाता है आपका ABS चैनल, ये देख सकते हैं जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, मतलब ये डुअल चैनल ABS और डुअल डिस्क ब्रेक के साथ आपको मिलेगा। ही इसका टायर का साइज हम बात करें तो ये देख सकते हैं 140 70 और 17 इंच का अलॉय व्हील के साथ आपको ट्यूबलेस टायर यहाँ पे भी देखने को मिलेगा, जो आपको इसमें भी आपको सीएट का टायर मतलब हेवी ग्रिप में दिया गया है, ये देख सकते हैं कमाल का दिया गया है। और इसका अलॉय व्हील का बात करें तो बोले ना एक तरफ से कमाल का अलॉय व्हील दिया गया है, जो देख सकते हैं आप। ये अगर एग्जॉस्ट का बात करें तो देख सकते हैं कुछ इस तरह का एग्जॉस्ट दिया गया, मतलब छोटा साइज में बहुत कमाल का है। इसका अगर साउंड का बात करें तो भी कमाल का साउंड इसका एग्जॉस्ट का मिलता है आपको देखने को। बाकी आ जाता है इसका इंजन से रिलेटेड, तो आपका 349cc का इंजन मिलने वाला है। मैक्सिमम पावर का बात करें तो 20 BHP का मैक्सिमम पावर और 27 Nm का टॉर्क आपको मिलने वाला है। बाकी बाइक का अगर फुल वेट का बात करें हम तो आपको 181 kg का फुल वेट आपको मिलेगा, मतलब 1 क्विंटल 81 kg, मतलब ये बाइक का फुल वेट है 90% फ्यूल के साथ। बाकी इसका अगर गियर ट्रांसमिशन का बात करें तो फिफ्थ गियर का ऑप्शन आपको मिलने वाला है, एक डाउन शिफ्ट बाकी फोर अप शिफ्ट। बाकी इसके बाद आ जाते हैं इसका
मतलब फ्यूल टैंक कैपेसिटी का। तो इसमें आपका 13 लीटर का फ्यूल टैंक मिलने वाला है, जो मतलब फ्यूल टैंक कैपेसिटी का देखा जाए तो बहुत बड़ा साइज में दिया गया है। और इसका अगर मतलब माइलेज से बात करें तो कंपनी क्लेम करती 36, तो मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए तो अगर इकोनॉमी मोड में चलते हैं तो माइलेज आपको 35 से कम ऐसे भी नहीं मिलने वाला है, आई थिंक अगर देखा जाए तो। उसके बाद अगर इसका फ्यूल डिलीवरी सिस्टम का बात करें तो वो हो जाता है आपका फ्यूल इंजेक्टेड, मतलब जिसको फ्यूल इंजेक्शन भी बोला जाता है। उसके बाद हम आ जाते हैं इसका एक्स शोरूम प्राइस से रिलेटेड, कि इसका एक्स शोरूम प्राइस क्या पड़ता है। तो अलग अलग मॉडल का अलग अलग वेरिएंट का अलग अलग प्राइस है। उसके पहले हम बात कर लेते हैं शोरूम का डिटेल, कि जिस शोरूम में भी मैं है, तो शोरूम आपका पड़ता है श्रीराम कॉमर्शियल नियर बाजार समिति गिरिडीह। मतलब अगर शोरूम का फुल डिटेल अगर आपको चाहिए तो बगल में आपका राइट साइड पड़ जाता है शीला वर्मा, और ये आपका जो होगा बोड़ो थाना, और ये आपका शोरूम का बाकी कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह सारा कुछ नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और ये इसका देख सकते हैं स्क्रीनशॉट, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कुछ इस तरह का, इसमें आपको फुल डिटेल मिल जाएगा कॉन्टैक्ट नंबर के साथ, जो आप कॉन्टैक्ट करके आके विजिट कर सकते हैं। तो प्राइस बताने से पहले हम आपको दिखा देते हैं कि ये यहाँ पे आपको मतलब जो मॉडल अवेलेबल है, ये दो मॉडल अवेलेबल है। ये आपका हो जाता है टॉप मॉडल, जो डुअल टोन कलर में आपको देखने को मिलेगा, ब्लैक और ये सिल्वर कलर में। बाकी एक और मॉडल आपको उधर साइड में दिखेगा, जो आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह का कलर आपको देखने को मिलेगा, ये आपका डुअल टोन, मतलब डुअल टोन कलर में जो आपको बाइक दिखेगा ये हो जाता है आपका टॉप मॉडल। बाकी सिंगल कलर में जो आएगा ये हो जाता है आपका मीडियम, मतलब बीच वाला मॉडल, ठीक है। तो अब आ जाते हैं इसका प्राइस से रिलेटेड। तो इसका प्राइस से रिलेटेड अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसका टॉप मॉडल का। तो आपका टॉप मॉडल का इसमें आपका एक्स शोरूम प्राइस पड़ने वाला 1.74,000 के आसपास, मतलब 1,74,000 आपका एक्स शोरूम प्राइस है, जो लगभग हर एक शोरूम में आपका सेम मिलेगा। बाकी अब आ जाते हैं इसका ऑन रोड से रिलेटेड। तो ऑन रोड का बात करें तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट और अलग अलग स्टेट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसका जो है ना वो अलग अलग प्राइस होता है, वहाँ का रजिस्ट्रेशन, वहाँ का टैक्स इंक्लूड जो होता है उसके अकॉर्डिंग देखा जाता है। तो यहाँ का जिस शोरूम पे है श्रीराम कॉमर्शियल नियर बाजार समिति बोरो गिरिडीह, तो इस शोरूम का हम बात करते हैं अभी ऑन रोड प्राइस का टॉप मॉडल का। तो वो चीज आपको पड़ेगा इसमें 202, मतलब 2,02,000 अप्रोक्स आपको पड़ने वाला है, जिसमें आपका इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन वगैरह आ जाएगा। बाकी इसमें बहुत कुछ एक्सेसरीज वगैरह आपको लगेगा, बाकी एक्स्ट्रा आप अगर हेलमेट वगैरह परचेज करते हैं, राइडिंग जैकेट वगैरह परचेज करते हैं, तो वो सारा कुछ अवेलेबल यहाँ पे मिल जाएगा, जिसका आपको अलग से चार्ज करना पड़ेगा। ये हो जाता है आपका टॉप मॉडल। बाकी हम बात कर लेते हैं अब इसका बीच का मॉडल, जो ये मॉडल है जो आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसका मॉडल का बात करें हम तो ये आपको पड़ जाता है 1,69,000 के अप्रोक्स, मतलब नॉर्मल पकड़ लीजिए कि 1.70 लाख, ये हो जाता है आपका एक्स शोरूम। बाकी ऑन रोड का अगर इसका बात करें तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा, ये आपको हो जाता है 1,98,000 के आसपास आपका ऑन रोड। मतलब टॉप में और इस मॉडल में अगर देखा जाए तो मात्र आपको 5,000 के आसपास आपको जो है को प्राइस डिफरेंस पड़ने वाला है। तो इसके देखा जाए, बाकी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, माइलेज वगैरह तो सारा कुछ सबका सेम ही है। कलर चॉइस के अकॉर्डिंग देखा जाए आपको, अगर डुअल टोन में चाहिए तो आपको ये देख सकते हैं, तो फिर सिंगल कलर में चाहिए तो वो देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइज कैसा लगा बाइक का रिव्यू, अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कर दे। तो मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।